हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। जिस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं कि एमएस वर्ड के अंदर हम रेस्टोरेंट बिल डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने पहले से एक बिल क्रिएट करके रखा हुआ है। तो इसी तरह का एक बिल मैं आपको बना के दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो का एंड तक बने रहे, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारा आने वाला हर कोई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे। तो फ्रेंड शुरू करते हैं, चलते हैं अपने कंप्यूटर की तरफ। सबसे पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करूंगा, कंट्रोल एन करके मैंने पेज को ओपन करूंगा। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पेज लेआउट पे क्लिक करना है, पेज लेआउट। इसके बाद यहाँ मार्जिन से एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ लास्ट में एक ऑप्शन आ रहा है कस्टम मार्जिन, कस्टम मार्जिन भी क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद मैं पेपर पे क्लिक करना है, पेपर। और यहाँ विड्थ हाइट, विड्थ पेज का विड्थ क्या रखना है, हाइट क्या रखना है, हमें यहाँ पे पेज का साइज़ यहाँ पे सिलेक्ट सेट करना है। और विड्थ में लिखना है, विड्थ क्या रखना है, विड्थ रखना है 5.3 inches, 5.3 inch। और हाइट रखना है 7.5 inches, 7.5 inches, 5.3 और 7.5। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है। और इसके बाद आप देख सकते हैं इस तरह का पेज आपके सामने क्रिएट हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे पेज सेटअप जो है, मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से यहाँ पे सेट करूँगा पेज सेटअप जो है। और इसके बाद यहाँ मैं होम पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे नो स्पेस, यहाँ पे ये वाला टूल ऑप्शन जो है यहाँ पे सिलेक्ट करें, नो स्पेसिंग यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको अपने रेस्टोरेंट का नाम। यहाँ पे रेस्टोरेंट का नेम लिखना है, जो भी आपके रेस्टोरेंट का नेम होगा वो यहाँ पे टाइप करना है। इसके बाद मैं यहाँ पे सेंटर में करूँगा और इसके बाद एंटर करके यहाँ मैं लिखूँगा सेंटर में कैश बिल यहाँ पे मैं लिखूँगा। इसके बाद मैं इसको सिलेक्ट कर, इसके बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक करना है, यहाँ पे बोल्ड करूँगा। और इसके बाद यहाँ साइज़ में इसका बड़ा करूँगा, यहाँ कैपिटल ए जो है उसका साइज़ यहाँ पे बड़ा करूँगा इस तरीके से। और इसके बाद ये जो बिल कैश बिल लिखा है इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इसको अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने के बाद इसका साइज़ थोड़ा कम करना है इस तरीके से। और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अगर आपके पास अपने रेस्टोरेंट का लोगो है तो आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं कंप्यूटर, अगर आपके पास अपने रेस्टोरेंट का लोगो है तो। इसके लिए क्या करना है, अगर आपके पास लोगो है तो यहाँ पे सेट करना है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑनलाइन भी कोई भी लोगो ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है, आपके पास जो भी ब्राउज़र होगा ओपन करना है। तो इसके बाद यहाँ पे टाइप करना है रेस्टोरेंट लोगो टाइप करना है और एंटर करना है। और यहाँ इसके बाद यहाँ इमेज भी क्लिक करना है, इमेजेस। और यहाँ भी बहुत सारे लोगो आपके सामने शो हो जाएगी, जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। और मैं ये वाला लोगो यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाला लोगो, इस पर क्लिक करके सेव इमेज एज और डेस्कटॉप पर सेव करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज आ चुका है, लोगो आ चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं ये लोगो सेट करूँगा यहाँ पे। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पिक्चर, यहाँ मैंने डेस्कटॉप पे रखा है, आपने जहाँ पे भी रखा होगा आप वहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे पिक्चर जो है इसको इंसर्ट करूँगा। इसके बाद इंसर्ट करने के बाद इस पर क्लिक करना है और यहाँ फॉर्मेट टेक्स्ट टाइपिंग और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है। इसका ये फ़ायदा है, इसके बाद आप फीचर को इधर इधर घुमा सकते हैं, क्रॉप या साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरीके से। तो इसके बाद यहाँ पे सेट करना है यहाँ से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, पहले मैं इस पिक्चर जो है ये ट्रांसपेरेंट में इसका बैकग्राउंड जो है चेंज करूँगा, रिमूव करूँगा और ट्रांसपेरेंट में कन्वर्ट करूँगा। इसके लिए हमें क्रोम को ओपन करना है, यहाँ इंटरनेट कनेक्ट ज़रूरी होना चाहिए तभी आप कर सकते हैं। यहाँ मैं टाइप करूँगा bg background bg, और सबसे पहला वाला जो साइट है इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ अपलोड इमेज ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। मैंने डेस्कटॉप पे इमेज रखी हुआ है तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करूँगा। ओपन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये जो पिक्चर है बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, यह देखिए रिमूव बैकग्राउंड। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड भी क्लिक करना है, डाउनलोड यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
इसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे शो इन फोटो पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगा, इस पिक्चर को कॉपी करूँगा और डेस्कटॉप पे पेस्ट करूँगा। तो आप देख सकते हैं पहले मैंने ये वाला डाउनलोड किया है बैकग्राउंड वाला, इसको मैं डिलीट करूँगा और जो जेरूमी वाला बैकग्राउंड यहाँ पे मैंने रखा है कॉपी कर लिया। इसके बाद मैं फिर से एमएस वर्ड में आ जाऊँगा और यहाँ पर मैं इसको कट करूँगा और फिर से मैं यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करूँगा और पिक्चर पे क्लिक करना है। इसके बाद मैंने डेस्कटॉप पे रखा है, डेस्कटॉप सेलेक्ट करूँगा और इसके बाद आप देख सकते हैं मैंने ये वाला पिक्चर यहाँ पे रखा है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं पिक्चर आ चुका है। इसके बाद पिक्चर पे क्लिक करना है और यहाँ फॉर्मेट टेक्स्ट ड्राइविंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है। इसका ये फ़ायदा है, इसके बाद आप पिक्चर को इधर उधर घुमा सकते हैं, क्रॉप या साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद मैं इसको यहाँ पर सेट करूँगा, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपको सेट करना होगा तो आप कर सकते हैं, मैं अपने हिसाब से यहाँ पे सेट करूँगा। तो आप देख सकते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे सेट करना है और हमारा जो लोगो है वो यहाँ पे सेट हो चुका है। यहाँ पे क्लिक करना है और इसके बाद एंटर बटन पे क्लिक करना है, एंटर दबाना है और एंटर दबाने के बाद यहाँ पर मैं होम पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर इसका साइज़ में काम करूँगा इस तरीके से, छोटा वाला जो है इसको इस तरीके में साइज यहाँ पे कम करूँगा और यहाँ मैं लिखूँगा और यहाँ पे ऐड में क्लिक करूँगा। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ भी लिखूँगा मैं DATE डेट इस तरीके से। इस तरीके से इसको सिलेक्ट करना और यहाँ भी पे बोल्ड करना इस तरीके से और साइज़ में इसका छोटा करूँगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आप इसके ऊपर डेट लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स पेस्ट करूँगा, इसके लिए हमें यहाँ पे इंसर्ट भी क्लिक करना है और यहाँ शेप्स यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स मैं सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करूँगा इस तरीके से, टेक्स्ट बॉक्स को पेस्ट करूँगा इस तरीके से और इसके बाद इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है और इसके लिए हमें सबसे पहले होम पे क्लिक करना है और यहाँ पे साइज़ कम करना है टेक्स्ट का, जो इसके अंदर हमें टेक्स्ट लिखना है इस पर साइज़ कम करना है इस तरीके से। और इसके अंदर लिखना है एड्रेस, लिखना है अपना एड्रेस, लिखना है जो भी आपका एड्रेस होगा वो यहाँ पर लिखना है। मैं यहाँ पर एड्रेस लिखूँगा KUPWRA कुपवाड़ा, कुपवाड़ा रोड। मैं वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड करूँगा, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर लिखने के बाद इसको मैं थोड़ा साइज़ कम करूँगा, कंट्रोल आ उतार के यहाँ हम पे क्लिक करना है और यहाँ छोटा ये जो दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है, थोड़ा साइज़ कम करना है इस तरीके से। तो दोस्तों इसके बाद यहाँ पे जो मैंने एड्रेस लिखा है, लोकेशन दिया है कुपवाड़ा रोड नगरी, यहाँ पे मैं लोकेशन के लोगो यहाँ पे ऐड करूँगा और इसके बाद ईमेल जो है इसका ईमेल का भी लोगो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा और ये जो साइट है इसका भी लोगो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। इसके बाद मोबाइल नंबर कॉन्टेक्ट लोगो यहाँ पे ऐड करूँगा, चारों के चार लोगो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। तो इसके लिए हमें ब्राउज़र ओपन करना है, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एज है, मैं यहाँ पे ये ओपन करूँगा और इसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पे लोकेशन जो हमें यहाँ पर एड्रेस दिया है उसका लोकेशन जो है लोकेशन लोगो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, लोकेशन लोगो एंटर करना है और यहाँ इसके बाद इमेज पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे इनमें से तो आप कोई भी लोगो यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद इस पर क्लिक करना है और सेव इमेज एज पे क्लिक करना है और यहाँ मैं इसके नेम लिखूँगा लोकेशन डेस्कटॉप में सेव करूँगा लोकेशन। और इसके बाद कॉलिंग लोगो भी यहाँ पे मैं टाइप करूँगा कॉलिंग लोगो। तो मैं वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड करूँगा, आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं।
लोगो पे क्लिक करना है और सेव इमेज आइज, यहाँ पे मैं इसका नेम लिखूँगा INTERNET इंटरनेट, सेव करूँगा। तो इसके बाद आप देख सकते हैं डेस्कटॉप में मैंने सारे लोगों को डाउनलोड किया है, इंटरनेट का भी, ईमेल का भी, लोकेशन का भी और कॉलिंग का भी। और इनका बैकग्राउंड मैं चेंज करूँ, जैसे पहले मैंने दिखाया था रेस्टोरेंट का लोगो, इसका बैकग्राउंड मैंने रिमूव किया, ट्रांसपेरेंट इमेज में कन्वर्ट किया। इसके लिए आपको यहाँ पे ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पे VG टाइप करना है, एंटर करना है। इसके बाद एंटर करना है VG और सबसे पहला वाला जो साइट है इसको ओपन करना है, बैकग्राउंड रिमूव करना है इमेज का, सबसे पहला वाला जो साइट है इसको ओपन करना है। इसके बाद सबसे पहला वाला ऑप्शन यहाँ अपलोड इमेज, इस पर क्लिक करना है और इमेज को अपलोड करना है। तो मैंने डेस्कटॉप पे रखा है, मैं वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड करूँगा, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं ये वाला सिलेक्ट करूँ, उसके बाद ओपन, और यहाँ आप देख सकते हैं इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसके बाद डाउनलोड पर क्लिक करना है, मैं वीडियो को फॉरवर्ड करूँगा, आप अपने हिसाब से एक एक करके करना है। इसके बाद मैं फिर से एमसूट को ओपन करूँगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने सबसे पहले मैंने यहाँ पे कपवारा जो एड्रेस लिखा है, मैंने पहले जो लोकेशन दिया है, पहले मैं लोकेशन का लोगो यहाँ पे सेट करूँगा। इसके लिए हमें इंसर्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पिक्चर पे, यहाँ लोगो इस पर क्लिक करना है और इंसर्ट करना है। सबसे पहले इस पर क्लिक करना है और यहाँ फॉर्मेट, इसके बाद टेक्स्ट राइटिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है। इसके बाद पिक्चर को आप साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं और इधर इधर घुमा सकते हैं। इसके बाद मैं इसका साइज़ थोड़ा इसका इस तरीके से छोटा करूँगा, इसका साइज़ छोटा करना है और यहाँ पे सेट करना है इस तरीके से, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिख रहा हूँ इस तरीके से सेट करना है, इस तरीके से छोटा करना है, साइज़ पर छोटा करना है, इस तरीके से सेट करना है इस तरीके से, इस तरीके से सेट करना है। और इसके बाद ईमेल जो है इसका लोगो यहाँ पे सेट करना है। इसके लिए हमें फिर से इंसर्ट पिक्चर और यहाँ पे ईमेल वाला लोगो, इसके बाद इंसर्ट, इसके बाद इस पर क्लिक करना है और यहाँ फॉर्मेट टेक्स्ट राइपिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है। इसके बाद क्रॉप और यहाँ पे इसको क्रॉप करूँगा। इसके बाद इसका साइज छोटा करके यहाँ पे सेट करना, और इसके बाद इस तरीके से सेट करना है। और इसके बाद यहाँ पे जो साइट है www.restaurant.com.co, इसका यहाँ पे इसका भी यहाँ पे लोगो ऐड, और इसके बाद जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको सिलेक्ट करना है और इसके बाद फॉर्मेट भी क्लिक करना है और यहाँ पे शेप फिल, यहाँ पे नो फिल करना है और इसके बाद शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं इसका जो आउटलाइन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे शेप आउटलाइन कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप। फिर इसके बाद इसको थोड़ा ऊपर एरो बटन से क्लिक करके सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लोगो सेट किया है, चारों का चार लोगो मैंने यहाँ पर सेट किया है। और इसके बाद फिर से अब इसके बाद फिर से हमें इंसर्ट पर क्लिक करना है और यहाँ शेप्स, यहाँ पे फिर से टेक्स्ट बॉक्स लेना है, टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ड्रा करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है इस तरीके से। और इसके बाद इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है और सबसे पहले होम पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसका साइज, टेक्स्ट का साइज कम करना है इस तरीके से। और इसके बाद बी पे क्लिक करना है, बोल्ड करना है और यहाँ पे लिखना है कस्टमर नेम। मैं वीडियो को फॉरवर्ड करूंगा, आप अपनी हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इस पर क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है और यहाँ फॉर्मेट पे, इसके बाद यहाँ शेप फिल नो फिल करना है, शेप आउटलाइन नो आउटलाइन करना है इस तरीके से। इसके बाद इसको सिलेक्ट करना है और ऊपर की तरफ यहाँ पे खींचना है इस तरीके से। और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसके नीचे हमें एक टेबल
टेबल क्रिएट करना है, टेबल क्रिएट करना है इस तरीके से, एंटर करके नीचे आना है और यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करना है, इंसर्ट, और यहाँ टेबल पे क्लिक करना है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 इस तरीके से, इसके बाद ओके पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे सेट करना है अपने हिसाब से, यहाँ पे टेबल को सेट करना है और मैं यहाँ पे इस तरीके से सेट करूँगा, इस तरीके से यहाँ पे टेबल सेट कर सकते हैं आप। इस तरीके से और इसके बाद यह करने का जो लाइन है इस तरीके से, इसको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे खींचना है अपने हिसाब से सेट करना है। तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से आप भी करना है इस तरीके से। इसके बाद ये इस तरीके से आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इस तरीके से मैं यहाँ वाला यहाँ पे सेट करूँगा, इस तरीके से दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसको इस तरीके से सेट करना है और थोड़ा ऊपर की तरफ खींचना है इस तरीके से। तो दोस्तों इसके बाद इस तरीके से इसको नीचे खींचना है इस तरीके से नीचे की तरफ खींचना है इस तरीके से, और इसके बाद इसको सिलेक्ट करना है, टेबल को इस तरीके से सिलेक्ट करना है और यहाँ लेआउट पे क्लिक करना है, डिज़ाइन और यहाँ पे पॉइंट्स पे क्लिक करना है, ड्रॉप बॉर्डर से ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे पॉइंट्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करना है, 1/2 पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, नो बॉर्डर जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे भी क्लिक करना है और यहाँ पे ये वाला बॉर्डर सिलेक्ट करना है, और इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है बॉर्डर, यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे ये जो बॉर्डर है सिलेक्ट हो जाएगा, और इसके बाद इसके अंदर लिखना है सीरियल नंबर, एस डॉट एन सीरियल नंबर और इसके बाद लिखना है इस तरीके से, और इसके बाद इस तरीके से सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट यहाँ होम पे क्लिक करना है और यहाँ सेंटर में इसको लेके जाना है, और इसके बाद नेम ऑफ आइटम लिखना है, नेम ऑफ आइटम लिखना है, नेम ऑफ आइटम, तो दोस्तों इसके बाद नीचे आना है इस तरीके से, जो टेबल है इसको इस तरीके से सिलेक्ट करना है, इस तरीके से सिलेक्ट करना है और यहाँ पे लेआउट एक ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करना है और यहाँ मर्ज सेल्स भी क्लिक करना है, मर्ज सेल्स, उसके बाद यहाँ पे सेल्स जो है वो मर्ज हो जाएंगे इस तरीके से, और इसके बाद इसके अंदर टाइप करना है, पहले मैं साइज कम करूँगा, टाइप करूँगा यहाँ नो स्पेस पे क्लिक करना है, टाइप करना है नो, इसके इनवर्ड स्पेस इनवर्ड्स टाइप करना है, इनवर्ड्स, इसके बाद लाइन डालना है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, इसके बाद इंटर करना है और इस तरीके से लाइन डालना है, सेलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ 1.5 करना है इस तरीके से, और इसके बाद यहाँ पे टाइप करना है, यहाँ टोटल लिखना है TOTAL टोटल, नीचे VAT, इसके नीचे ग्रैंड टोटल लिखना है,
ग्रैंड टोटल दिखना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इसके अंदर टाइप करना है। इस तरीके से फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे 2.0 करूँगा। तो दोस्तों इसके बाद यह करना है, तो दोस्तों इसके बाद यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ शेप्स, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करूँगा, टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करना है। इसके बाद इसके अंदर लिखना है, मैं यहाँ पे होम पे क्लिक करूँगा और नो स्पेस पे क्लिक करूँगा। इसके बाद इसके अंदर लिखना है, इस तरीके से लाइन डालना है, लाइन, इसके बाद एंटर, और इसके नीचे लिखना है रिसीवर सिग्नेचर, रिसीवर सिग्नेचर सिग्नेचर। उसके बाद इस पर यहाँ साइड में क्लिक करना और यहाँ सेंटर में लेके आना है, सेंटर में लेके आना है। इसके बाद इस पर क्लिक करना है, टेक्स्ट पे, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है और कंट्रोल डी, इसका डुप्लीकेट निकालना है और यहाँ पे पेस्ट करना है इस तरीके से। और यहाँ पे लिखना है, कट करना है और यहाँ पे लिखना है जीवर सिग्नेचर, जीवर सिग्नेचर इस तरीके से। इसके बाद इसको सिलेक्ट करना है, इस तरीके से सिलेक्ट और बी पे क्लिक करना, सॉरी इसको भी सिलेक्ट करना और यहाँ बी पे क्लिक करना है सी, इस तरीके से सर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपका काम जो है वो पूरा हो चुका है। इसके बाद ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ फॉर्मेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे नो फिल करना है, शेप्स यहाँ पे शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन करना है। तो आप देख सकते हैं ये जो टेक्स्ट बॉक्स का आउटलाइन वो क्लियर हो जाएगा इस तरीके से। इस पर भी क्लिक करना है और यहाँ पर नो आउटलाइन, नो शेप्स भी क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट का जो बिल है वो तैयार हो चुका है। इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से बिल क्रिएट कर सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर। तो इसके बाद इसका कलर भी आप लगा सकते हैं, जो भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो मर्जी रख सकते हैं वो रख सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, कलर सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है, यहाँ ले पेज लेआउट पर क्लिक करना है। यहाँ पर कलर का एक ऑप्शन आ रहा है, पेज कलर, इस पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बस मैं आपको यहाँ पे दिख रहा हूँ, मैं ये वाला सिलेक्ट करूँगा, जो आपको अच्छा लगे वो आप वही सिलेक्ट करना है इस तरीके से। तो इसके बाद जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं ये वाला भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो जो आपको अच्छा लगे वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप एमएस वर्ड के अंदर रेस्टोरेंट का जो बिल है वो बिल्कुल आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाला हर कोई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू सो मच।